नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव में दरौंदा सीट को लेकर एनडीए में फूट पड़ गई है। सिवान में एनडीए नेताओं में घमासान जारी है। माना ये जा रहा था कि दरौंदा सीट पर जदयू अपना उम्मीदवार देगा और अजय सिंह के नाम की चर्चा भी खूब चल रही थी, या यूं कहें चल रही है। हालांकि एनडीए ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। आज पटना में वशिष्ठ नारायण सिंह, जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐलान करने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के लिए टाल दी गई। नामांकन की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। लेकिन इस बीच सिवान में भाजपा और जदयू के नेताओं में घमासान मच गया है दरौंदा सीट को लेकर। आज जदयू की तैयारियों के बीच सिवान भाजपा के बड़े नेता और पार्टी के उपाध्यक्ष करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह ने दरौंदा विधानसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन भर दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से नामांकन भरा है। इसका आशय ये है कि वे जदयू के संभावित उम्मीदवार अजय सिंह, जो कि सांसद कविता सिंह के पति हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने को मैदान में आ गए हैं। व्यास सिंह जाने पहचाने चेहरे हैं, भाजपा के पुराने नेता हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफ़ी तगड़ी है। तो पहले देख लीजिए कि आज जब वे नामांकन करने को निकले तो क्या दृश्य था, फिर आगे बताते हैं। तो आपने देख लिया कि व्यास सिंह नामांकन करने आज समाहरणालय पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन पत्र भर दिया। मतलब जदयू यदि यहां अजय सिंह को उम्मीदवार बनाता है तो मुकाबला राजद के साथ साथ भाजपा नेता व्यास सिंह के साथ भी होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आज नामांकन के दौरान भाजपा और जदयू के कई नेता और उनके पुत्र व्यास सिंह के साथ देखे गए। वैसे आपको यह भी बता दें कि व्यास सिंह की पारिवारिक पृष्ठभूमि ये है कि जब सिवान की धरती पर शहाबुद्दीन का अवतार नहीं हुआ था, शहाबुद्दीन के नाम का अवतार नहीं हुआ था, तो व्यास सिंह के चाचा पाल सिंह का बड़ा नाम था और उनकी हत्या कहा यह जाता है कि शहाबुद्दीन के लोगों ने सदर अस्पताल में कर दी थी। अस्पताल और व्यास सिंह का घर आसपास ही है, तो ये उस जमाने से चर्चित चेहरे रहे हैं, परिवार चर्चित रहा है। इनका घर सिवान के फतेहपुर रोड में है। तो आज हम नामांकन की बात कर रहे थे और फूट की बात कर रहे थे कि अजय सिंह के खिलाफ कैसे व्यास सिंह मैदान में आ गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, 2019 का लोकसभा चुनाव, तो यह बात शायद, देखिए अब आधिकारिक तौर पर तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन यह बात सिवान के लोग जान रहे हैं कि कविता सिंह, जो जदयू की प्रत्याशी थी, उनके चुनाव का कार्य बहुत हद तक व्यास सिंह के घर से ही चल रहा था। और यह बात आपस में सहमति, अंदरूनी सहमति बनी थी कि जब दरौंदा का उपचुनाव होगा जीत के बाद कविता सिंह के, तो व्यास सिंह को मौका दिया जाएगा। लेकिन व्यास सिंह अब इस बात को लेकर बेहद खपा हैं कि जब उपचुनाव का मौका आया तो अजय सिंह स्वयं उम्मीदवार हो गए, जो कविता सिंह के पति हैं। तो आज नामांकन की यदि हम बात करें, जब नामांकन चल रहा था और कारवा चल रहा था व्यास सिंह का, तो वहाँ नगर सभापति इंदु सिंह के पति धनंजय सिंह भी दिख रहे थे। ठीक इसी तरीके से बरहरिया के जदयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह के बेटे संजय सिंह भी इधर उधर दिखे। बबलू शाह भाजपा के नेता भी इर्द गिर्द दिखे। व्यासदेव प्रसाद, जो भाजपा के विधायक हैं सिवान के, उनके बेटे बंटी भी आसपास दिख रहे थे। तो सिवान में फूट स्पष्ट है। और आपको यह भी पता है कि भाजपा के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, जो शहाबुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे थे, उन्होंने अजय सिंह को जदयू से टिकट दिए जाने की तैयारियों के बीच और खबरों के बीच कहा था कि हम इसका विरोध करेंगे और सिवान को दूसरा शहाबुद्दीन नहीं मिलने देंगे। अजय सिंह भी दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति माने जाते हैं, तो इसमें
ओम प्रकाश यादव की आपत्ति, ओम प्रकाश यादव ने अपनी आपत्ति एनडीए के नेताओं के बीच दर्ज कराई है। तो ये सिवान में फूट राजद ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो देखना होगा कि सिवान में जदयू और भाजपा के बीच नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद या नामांकन की तारीख के दिन तक कोई सहमति बनती है कि नहीं बनती है, नहीं तो यहाँ लड़ाई भाजपा और जदयू आपस में भी लड़ेगी, साथ में राजद से भी लड़ना होगा। तो ये सिवान के दरौंदा विधानसभा के उपचुनाव का अपडेट है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।